दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कुंग फू पांडा 4 के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे कि फिल्म का बजट कितना और फिल्म को कितने स्क्रीन में रिलीज किया गया। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये एक एनिमेशन मार्शल आर्ट्स कॉमेडी फिल्म है। जैसे कि टाइटल से ही पता चल रही है कुंग फू पांडा सीरीज की चौथी फिल्म है। इस फिल्म को माइक मिचेल ने डायरेक्ट किया। बात करें स्क्रीन काउंट की तो दोस्तों इस फिल्म को इंडिया में लगभग 1000 से भी ज्यादा स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया। एनिमेशन फिल्म होने के बावजूद भी इस फिल्म को इंडिया में अच्छे खासे स्क्रीन मिले हैं। इंडिया में बच्चों के लिए वैसे ही कुछ अच्छी फिल्म बनती है नहीं, इसलिए जब ऐसी कोई अच्छी फिल्म आती है तो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ वीकेंड में फिल्म देखना पसंद करते हैं। वैसे हॉलीवुड के एनिमेशन फिल्म में सिर्फ बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी काफी पसंद आते हैं। जिन्होंने कुंग फू पांडा सीरीज की पहली 3 फिल्में देख रखी वो तो इस फिल्म को जरूर देखेंगे। बात करें बजट की तो दोस्तों इस फिल्म का बजट तकरीबन $85 मिलियन है। अगर इंडियन रुपीस में देखे तो लगभग 704 करोड़ होता है। वहीं बात करें कलेक्शन की तो दोस्तों इस फिल्म की कलेक्शन पहले दिन काफी अच्छे खासे दिख रहे हैं। ये फिल्म अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस में लगभग 4 से 6 करोड़ की रेंज में नेट कलेक्शन करने जा रही है। आज बस्तर द नक्सल स्टोरी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा भी रिलीज हुई है। उसके बावजूद कुंग फू पांडा 4 के कलेक्शन पहले दिन काफी अच्छे खासे दिख रहे हैं। यहां तक कि कुंग फू पांडा 4 पहले दिन के कलेक्शन में बस्तर द नक्सल स्टोरी को भी पछाड़ते हुए दिख रही है। दोस्तों अभी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की कोई अपडेट नहीं आई है, आते ही आपको अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों अगर आपने कुंग फू पांडा 4 फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं देखा तो क्या आप इस फिल्म को देखने वाले हो या नहीं ये भी कमेंट करके बताइए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।